तो भाई साहब ये देखो मेरे घर का हाल क्या हो चुका है, और देखो ये पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और यहाँ पे देखो पता नहीं ये घर को क्या हुआ है कि हर दीवार पे ये प्रॉब्लम जो है आ चुकी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और भाई साहब आज का दिन ऐसा है ना कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे घर में जो न्यू वाला दरवाजा लगा था ना उसी की पेंटिंग करना है, और आपको दिखाते हैं जो साइड साइड में टूटा हुआ था इन सब को पेंटिंग करना है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि नीचे से लेके और यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो हमारा घर, ये सब पेंटिंग हम खुद किए हैं। खुद किए हैं। और हस्बैंड भी आज देखिए, मेरे हस्बैंड इतना अच्छा पेंटिंग करते हैं पूछिए नहीं, बहुत अच्छा, मतलब एक पेंटर है, समझिए आप लोग, ब्लॉगर ही नहीं एक पेंटर भी है ये। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये देख रहे हो ना जितना हमारा घर ये टोटल पेंटिंग हुआ है, ये खुद हमने अपने हाथों से किया है। पेंटिंग किया था ना तो थोड़ा थोड़ा पेंट जो है हमारे घर में बच गया था, जो कि डब्बे में, छोटे छोटे डब्बे में। अभी सबको उतारेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना पेंट है, और जो अच्छा पेंट होगा दोबारा रीपेंट किया जाएगा उसको, क्योंकि जो हमारा दरवाजा है ना वो साइड साइड से टूट गया है, तो उसी को क्या हुआ कि अभी सफाई कर दिए हैं मसाला वसाला भर के, तो उसी को अभी पुट्टी लगाना है और पुट्टी लगा के पूरा पेंट करना है। तो गाइस देखो ये ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा ये सब पेंट ही है। तभी सबको उतारते हैं और देखते हैं किसके अंदर कितना पेंट बचा हुआ है। जितना ये है ना ये वाला पट्टी, ये सारा मेरे हस्बैंड ही पेंट करेंगे दिन। बहुत अच्छा पेंट काम करते हैं, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। शायद कोई पेंटर होगा तो मतलब नहीं कर पाएगा, लेकिन ये पहले सऊदी रहते थे तो पेंट का काम वहाँ सीखे थे, फिर आके यहाँ ब्लॉगिंग स्टार्ट की अपना। तो आप लोग आज जरूर देखने को मिलेगा कि मेरे हस्बैंड पेंटिंग कितना अच्छा करते हैं, आप लोग को दिखाएंगे भी। तो के ऊपर चढ़ गया हूँ सारा का सारा पेंट उतारने के लिए, गोविंद से बोला तो पता नहीं कहाँ बिजी है वो। मैं सोच रहा हूँ कि इसको उतारूं, और देखो ये तेल है, ये जो ऑयली पेंट होता है ना उसमें मिक्स करने वाला है। ये धीरे धीरे रखो सब। हाँ ये हमको दे दीजिए, ये सब तेल ही है। चलो कुछ ना कुछ बचा हुआ है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। ये देखो भाई, आ देखिए पूरा सारा पेंट उतार दिए, सब पेंट उतार दिए हैं नीचे। और गाइस यही देखो ऊपर से इतना सारा जो है सारा का सारा पेंट लेके हम लोग आए हैं, और ये सारा का सारा पेंट जो है अभी किसी किसी में है और काम का है। और बाकी गाइस देखो ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है साइड साइड से टूटा था, इसी को पुट्टी लगाना है और इसके कलर का जो है पेंट करना है, और ये पूरा दरवाज़ा जो है पेंट होगा बढ़िया वाला। तो इसी के लिए भी हम चलते हैं दुकान पे और देखते हैं, पुट्टी लेते हैं, पेंट लेते हैं और लेके आएंगे और फिर काम शुरू करेंगे। क्योंकि ये वाला काम ख़त्म करने के बाद से ना वो जो नया वाला देख रहे हो ना मकान, वो उसमें जितना पेंटिंग होगा सारा पेंट अपने हाथों से करूँगा, और इस घर में भी जितना पेंटिंग हुआ है सारा का सारा पेंट अपने हाथों से ही मैंने किया था। रीज़न ये था करने का कि यहाँ के जो मिस्त्री हैं पैसा भी लेते हैं लो, और उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं लो, इसी वजह से अंदर का जितना पेंटिंग हुआ था मैं खुद अपने हाथों से किया हूँ। और गाइस आपको बता दूं कि जब मैं सऊदी था ना तो पेंटिंग का ही काम वहाँ पे करता था, तो इसी वजह से पेंटिंग मुझे आती है, जो हाउस पेंटिंग घर का अंदर बाहर का पेंटिंग होता है सारा का सारा मैं कर लेता हूँ। तो इसी वजह से भी चल रहे हैं इसको दरवाजे को पेंट करने और पेंट लाने के लिए। चलो गोविंद। तो गाइस ये देखो फाइनली एक बोरा जो है पुट्टी हम लोगों ने ले लिया है, और वो दिखाओ, और ये छोटा वाला रोलर है जो कि दरवाजा पेंट करने के काम आएगा। तो हम लोग सारा जो सामान था ना पेंट का सारा कुछ लेके चले आए हैं, और आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखो पुट्टी जो है बोरा वाला ये भी आ चुका है, और एक छोटा सा ब्रश लिए हैं, और दो ठो यहाँ पे रोलर लिए हैं, और एक दो पेपर लिए हैं, और ये ऑलरेडी हमारे पास घर पे ही था। तो अभी चलते हैं, देखो इस सबको अभी साफ़ करेंगे, ये छोटा छोटा कचरा है ना सबको साफ़ करके, और उसके बाद इसके ऊपर पुट्टी लगाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए हमारे हस्बैंड जी, अभी तक शाम हो गया और अभी तक ये क्या कर रहे हैं? अभी तक जो है सफाई कर रहे हैं, जो मसाला लगा था ना इसके ऊपर दरवाजे के ऊपर आ गया था, तो अभी सबको साफ़ कर रहे हैं। देखो नीचे सारा कचरा गिरा हुआ है, साफ करके और झाड़ू लगा के पूरा बाहर निकाल देंगे ना, उसके बाद से फिर पुट्टी प्राइमर लगाएंगे, उसके बाद पुट्टी लगेगा और फिर दरवाजा पेंट होगा। तो दोस्तों आज देखिए हमारे हस्बैंड निकल, आप लोग देखिएगा कितना मस्त दरवाजा पेंट किया है। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर और खाने की तैयारी करने, क्योंकि शाम को 6 बज चुके हैं और हमारे हस्बैंड जी भी तक लगे हैं, भूख लगा है ना।
भूख लग गया है आज लगभग 3 साल के बाद इतना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए इनको भूख लग गया तो चल रहा है ऊपर। मम्मी से पूछते हैं मम्मी क्या बनेगा, मम्मी बताएंगे वही बनाएंगे। दोस्तों हम आ गए ऊपर और मम्मी को देखिए यहाँ पे क्या कर रही है। मम्मी देखो प्रेस कर रही है। देखिए पापा जी का पैंट है, प्रेस कर रही है। से ढंग तो नहीं है, जैसे ढंग है कर देता हूँ बस। अंडा नहीं खाइयो, लाडो नहीं खाइयो, करी नहीं हम नहीं, लाडो नहीं खाएगी। लाडो को शाकाहारी बनाना है, मांसाहारी नहीं बनाना है। तो मम्मी तो प्रेस कर रही है और हम चल रहे हैं किचन में ऊपर। और दोस्तों हम मसाला वसाला सब प्याज व्याज गला दिए हैं ताकि तब जाके हम दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए हमारा मसाला और प्याज एकदम, दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कितना गर्म भाप निकल रहा है। और दोस्तों आज खाने में अंडा और चावल और रोटी बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आटा लिए हुए हैं, थोड़ा सा आटा ना सुबह में गूंथे थे तो बच गया था, तो चल रहा है अभी इस टाइम इसको यूज कर लेंगे। गोविंद बाबू और यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइज मैं बता दूं तो देखिए मैं रील पोस्ट कर रहा था इंस्टाग्राम पे। हाँ। और ये देखिए एगो सॉन्ग गा दे रहे हैं, आप सब बताइएगा कमेंट करके उस सॉन्ग कैसा लगा और कैसे कौन है। हमरे खातिर तुहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े, हमरे खातिर तुहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े है। भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। ऐसे आप लोग कमेंट करके सॉन्ग बताए कैसा लगा। थैंक यू गोविंद बाबू। और गाइस मैं बता दूं कि मैं सोया था, वीडियो एडिट कर रहा था तब तक भाभी आई, इसीलिए भाभी बोली है गाना गाने के लिए तो मैं गा दिया। तो भाई साहब ये देखो मेरे घर का हाल क्या हो चुका है, और देखो ये पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और यहाँ पे देखो पता नहीं ये घर को क्या हुआ है कि हर दीवार पे ये प्रॉब्लम जो है आ चुकी है। ये मालूम है क्या है, ये हर जगह सीढ़न जो है उठा लिया है, और इसी की वजह से जो पापड़ी नहीं होता है वही दीवार पे छूट रहा था। तो बहुत दिन से मैं देख रहा था इसको और सोच रहा था बनाऊं कि ना बनाऊं, लेकिन आप लोग को पता है कि जो मेन गेट का साइड साइड से पुट्टी लगाना है तो सोचा साथ साथ इसको भी कम्प्लीट ही कर देते हैं। तो हाथ लगा ही दिए पेंट में तो उसी हाथ से सोचे हैं इसको भी कम्प्लीट कर लें। और ये नीचे देखो कितना सारा कबाड़ जो है यहाँ से निकला है पूरा इधर। और गाइस इधर देखो, इधर लेके आओ कैमरा और देखो इधर, ये भी देखो ये थोड़ा थोड़ा हर जगह ऐसे प्रॉब्लम आया है। हाँ, ये सारा है और इधर भी है देखिए यहाँ पर। और भाई साहब बाथरूम में भी सेम प्रॉब्लम आया है, तो उसी को फिलहाल अभी जो है इसको निकाल रहा हूँ, और निकाल के कल इसको जो है बढ़िया से इसका एक प्राइमर आता है अलग वाला, वो प्राइमर लगा के तब पुट्टी लगा के और फिर इसको बढ़िया से फिनिश करके पेंट वेंट मारेंगे। अभी हम आए हैं ऊपर खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुका है, 9 बज चुका है, और अभी तक हम काम ही कर रहे हैं और काम अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, थोड़ा सा पुट्टी अभी और बाकी है। तो खाना खा के जाएंगे, थोड़ा बहुत और काम करेंगे, उसके बाद नहा वहा के तब सोएंगे। बाकी देखो खाना हम लोग का रेडी है, अभी चावल और ये जो है अंडा बना है। अंडा जो है पापा शायद मार्केट गए थे तो वही लेके आए हैं, वही अंडा और चावल बना है। सब कोई हमारा ही वेट कर रहा था क्योंकि हम काम कर रहे थे ना, तो पापा बोल रहे थे पहले काम खत्म कर लो उसके बाद से सब कोई बैठ के खाएगा। हाँ। तो इसीलिए सब कोई भूखे थे लोग, और अभी काम हमारा कंप्लीट हुआ है तो हम लोग आए हैं ऊपर खाना खाने के लिए। फाइनली देखो खाना हम लोग का निकल चुका है और अभी खाना पापा का लेके चल रहे हैं पापा के पास। तो गाइस अभी खाना खा रहे हैं हम लोग, और इधर सामने देखिए मम्मी पापा प्रेम तीनों लोग इधर सामने बैठे हैं और इधर हम अकेले खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सुबह के अभी 9 बज चुके हैं, और अभी जैसे कि आप सब जानते हैं ना कि ये दरवाज़ा कल मैं ये पुट्टी लगा रहा था, तो देखो अभी कितना प्यारा लग रहा है। अभी फर्स्ट कोट ही पुट्टी लगाया हूँ, अभी ऐसा अभी 2 बार और इसके ऊपर लगेगा, और सारा से ये जो ढक दिया हूँ, और देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये घिसाई करके जब पुट्टी पूरा फाइनल हो जाएगा, घिसाई करके सेम इसी के कलर इसमें जो है हो जाएगा, उसके बाद से मालूम नहीं पड़ेगा कि न्यू दरवाज़ा जो है अलग से लगा है, सारा कुछ ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ पहले का ही है। तो बाकी गाइस अभी इसको कंप्लीट करने के बाद से फिर आपको एक और ब्लॉग दिखाऊंगा, ये दरवाजा जब पेंट कर लूंगा ना तो दिखाऊंगा ये कैसा लग रहा है हमारा मेन गेट। और ये भी दिखाऊंगा आपको कि जो पुट्टी लगाया हूँ इसमें आप डिफरेंट भी बताइएगा। तो गाइस अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूजर नेम जो है गौतम ब्लॉग्स है, और बाकी इधर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। जय हिंद, टेक केयर।